शेख सैयद मुगल पठान महासभा संस्थान अजमेर की ओर से गुरुवार को द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन लोधा का बाड़िया स्थित महासभा भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, प्रधानाचार्य पटेल अब्दुल हनीफ खान, महासभा संस्था अध्यक्ष बशीर मोहम्मद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर जमाल अली, उपाध्यक्ष यूसुफ पठान, सचिव महबूब खान पठान, कोषाध्यक्ष सैयद मोहम्मद सलीम तथा अस्मत काठात ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने प्रतिभाओं को बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात एवं प्रधानाचार्य पटेल अब्दुल हनीफ खान ने कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपकी मेहनत एवं लगन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। प्रतिस्पर्धा के दौर में दशमलव अंकों का भी महत्व है, ऐसे में हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। दोनों वक्ताओं ने सभी प्रतिभाओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन एवं गाइडेंस देने के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासभा संस्था अध्यक्ष बशीर मोहम्मद तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर जमाल ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करना हमारे लिए गौरव का क्षण है। महासभा संस्था बेहतर भविष्य के लिए हमेशा उनके मार्गदर्शन में सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने अभिभावकों से भी उनका हर सहयोग करने की अपील की। महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर जमाल अली एवं सचिव महबूब खान ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कंपटीशन एवं प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रवेश आदि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभाओं और अभिभावकों से आह्वान किया कि सभी विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवाए तथा सरकार की योजनाओं को बेहतर उपयोग एवं लाभ ले। उन्होंने वर्तमान में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में जाकिर पठान, सैयद अरशद चिश्ती, यूसुफ खान पठान, यूसुफ अली, सरवर अली, बरकत बेगम मोरित, सलीम मोहम्मद ककलाना, मस्तान खान पाठा, चांद मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में महासभा संस्था के सदस्य एवं अभिभावक मौजूद रहे। शेख सैयद मुगल पठान महासभा संस्थान अजमेर की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत हम जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आए उनको भी काफ़ी अच्छे इनाम दिए गए थे हमारी तरफ से, महासभा की तरफ से, और सभी बच्चों का हौसला अफजाई के लिए सभी को इनाम वगैरह दिए गए, और आगे भी हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही काम करते रहेंगे।